Hey guys, it's Apriti and aap dekh rahe hain apna YouTube channel IQ Students Point and aaj hum baat karenge ki jo BA program and BA honors ke jo students hain like pol science honors english honors jinhone assignment based evaluation diya tha unke jo result hain wo kab tak aayenge kitna aur time lagega aur kya unka admission ka kya process rahega kab se unke admission start honge. राइट तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स के जो रिजल्ट हैं वो पब्लिश्ड कर दिए गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से. जो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट हैं वो पब्लिश्ड हुए हैं. फिलहाल बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी पब्लिश्ड नहीं किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली SOL की तरफ से. तो गाइज मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक नोटिस के अकॉर्डिंग अजम्पशन किया जा सकता है कि जो आपके रिजल्ट हैं वो लास्ट अक्टूबर के एंड तक आ जाएंगे एनी हाउ. फिलहाल तो DU की तरफ से जो लास्ट नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग तो यही कहा जा सकता है कि अक्टूबर के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, अब बात रही एडमिशन की कि आप लोगों के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे. तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो फ्रेश बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन अभी फिलहाल स्टार्ट हो चुके हैं. ठीक है, और एक बार बार क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स के थ्रू कि क्या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो या फिर जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है. तो गाइज यहाँ न्यू यूजर पे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को क्लिक करना है जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है. मीन जो फ्रेश बैच के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ न्यू यूजर पे क्लिक करें. तो न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा. कैंडिडेट मेल आईडी, जो भी मेल आईडी आप डालना चाहो वो मेल आईडी डालोगे. फिर सेम मेल आईडी आपको अगेन यहाँ फिल करना है. देन आपको अपना स्टूडेंट नेम डालना है, जो भी आपके अदर डॉक्यूमेंट्स पे नेम हो वही नेम डालिएगा यहाँ पे. उसके बाद आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है जो वर्किंग हो. ठीक है, उसके बाद यहाँ जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे आप मेल या फीमेल और कैप्चा कोड फिल करके यहाँ सेव कर देंगे. सेव करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा. जो सेकेंड ईयर में गए हैं या फिर जो थर्ड ईयर में गए हैं उनको यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर पे क्लिक करना है, न्यू यूजर पे क्लिक नहीं करना आपको, क्योंकि आपकी जो आईडी पासवर्ड होता है आपका वो एक बार ही जनरेट होता है जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो. राइट, सो जब आप रजिस्टर्ड यूजर पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा शो होगा आपको आपके स्क्रीन पे. यहाँ पे आपको आपकी लास्ट जो मेल आईडी या फिर यूजर आईडी जो भी है वो डालोगे आप, यहाँ अपना पासवर्ड डालोगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे. इनकेस अगर कोई स्टूडेंट अपना पासवर्ड भूल गया है, ठीक है, जब आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा. देन आप अगेन यहाँ पे लॉग इन कर पाओगे. तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा. तो अभी फ्रेश बैच के स्टूडेंट्स ही के एडमिशन ही स्टार्ट हुए हैं. आप लोगों के एडमिशन भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही रिजल्ट आएगा. रिजल्ट आने के साथ ही आप लोगों का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा. फिलहाल जस्ट आपके पोर्टल पे ये अपडेट दे दिया गया है कि जो अकेडमिक सेशन 2021 के एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है SOL में भी. क्लियर है आप लोगों को? सो आई होप आपको कुछ इंपॉर्टेंट आज जानने को मिला होगा. आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल.